हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं, यूज करके बताने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन को। जो कि फ्रेंड्स नए दोस्त होते हैं जो कि सोल्डरिंग आयरन को यूज नहीं कर पाते हैं और उनसे सटता नहीं है इजिली वायर, मतलब कहीं से कनेक्ट करना हो तो होता नहीं है और वो परेशान होते हैं। और आपको पता ही है, पहले तो आपको बता दूं कि ये मटेरियल में क्या होना जरूरी है। फ्रेंड्स ये 10 रुपए का फ्लैक्स मिलता है जो कि आपको इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ भूले ना, इसीलिए इसको ऐसे इसमें रख लिया है ये डब्बा में। फ्रेंड्स ये मैंने खरीदा था, ये कुल 50 रुपए का मिलता है। फ्रेंड्स इसमें 100 ग्राम का होता है शायद, और ये आपको ऐसा भी मिलता है जिसमें आपको 1 मीटर का मिलता है शायद, ये वाला है जिसमें आपको 1 मीटर लेंथ देखने को मिल जाता है। और इसको रंगा बोला जाता है फ्रेंड्स, जो कि मेल्ट होता है और जो आप यहाँ पर देखते हो वही होता है फ्रेंड्स ये। और यहाँ पर आप टेबल खराब हो जाएगा, रुक जाइए एक मिनट। तो फ्रेंड्स तो ये होता है जो कि आपको बहुत सारे क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। अब इजिली सस्ता महंगा आपको हर तरह का देखने को मिल जाता है, पतला में भी देखने को मिल जाता है, मोटा में भी देखने को मिल जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग देखने को मिल जाता है, अगर आपको ज्यादा इन्वर्टर वगैरह रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए अलग मिल जाता है। और सोल्डरिंग आयरन पे भी आपको एक कभी सेपरेट वीडियो मिलेगा जो कि आपको किस तरह का आयरन यूज करना चाहिए, आप क्या करते हो तो उसके लिए कौन सा आयरन ठीक होगा। तो फ्रेंड्स ये लोकल मैंने ये आपको एक डेमो देने के लिए, मैं इसको कटर की तौर पे यूज करता हूँ इस सोल्डरिंग आयरन को। तो देख सकते हो यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको इससे बताऊंगा कैसे सोल्डरिंग किया जाता है इजीली। फ्रेंड्स ये 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन है और तो जितना फ्रेंड्स वाट कम होगा उसका उतना ही आगे का टिप पतला होता जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स 60 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है, नहीं तो मिलता है। अगर आपको महंगा भी लेना है तो मिलता है फ्रेंड्स, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंपनी है, जैसे एक इंडियन कंपनी है सिरोन जो कि बहुत ही तगड़ा सोल्डरिंग आयरन बनाता है, और जैसे हक्को गुड्स इस सब कंपनी का बहुत सारा आता है लेकिन महंगा महंगा आता है। और ये इंडियन कंपनी का ही है, पता नहीं क्लासिक आ रही कुछ कंपनी नहीं है, चाइनीजे है। 60 रुपए में ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 25 वाट का देखो, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ठीक होगा। सोल्ड्रोन का देखोगे तो वो 25 वाट में आपको मिल जाएगा 150-200 के करीब। और एक सिरोन का आता है जो कि आपके लिए वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसका एक अच्छा बात है कि वो कम दाम में मिल जाता है, वो आपको 150 के करीब देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स लोकल लोगे तो उसमें आपको दिक्कत ये देखने को मिलेगा कि वो ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जैसे ये है, इसका लाइफ बहुत कम है, ये यूज एंड थ्रो होता है, जैसे लिखो फेको पेन होता है, एक बार यूज करिए फेंक दीजिए, उससे वही होता है, जब तक चल रहा है नो गारंटी। फ्रेंड्स अगर आप वो महंगा वाला लोगे तो भी गारंटी नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको झटका कभी भी लग सकता है, वहां पे आपको झटका नहीं मिलेगा। और उसका वायर का क्वालिटी आप देख सकते हो, इसका कितना पतला वायर का क्वालिटी है, उसका अच्छा क्वालिटी का देखने को मिलेगा। आप जितना अच्छा कंपनी बढ़िया देखोगे, सबसे अच्छा अभी तक ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है सोल्डरॉन और सिरोन का। फ्रेंड्स मैंने एक बार ऑफलाइन में देखा था, जो सोल्डरॉन का 25 वाट का होता है फ्रेंड्स, वो 500 रुपए का बोल रहा था और ऑनलाइन भी दिखा रहा था, तो फ्रेंड्स उतना ही महंगा होता होगा शायद, मेरे को नहीं पता, मैं आज तक खरीदा नहीं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे तरह के सोल्डरिंग आयरन है, जैसे जिसमें एक सिरोन का भी है जो कि 25 वाट का मिला था, मैं उसको 150 में खरीदा था फ्रेंड्स, उससे अच्छा अभी तक मेरे को उसको यूज करते हुए करीब 1 साल से ज्यादा हो गया फ्रेंड्स, और वो अभी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं है और आगे हो सकता है। 1 साल फ्रेंड्स पार हो गया है, तो फ्रेंड्स 150 रुपए वेस्ट नहीं हुआ, उसमें वो वसूल हो चुका है। और ये आपको मैंने बताया, आपको हर तरह का देखने को मिल जाएगा। और ये आप ये लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, आप बंडल में लोगे तो इसमें भी बहुत कंपनी का आता है। इसमें एक कंपनी है क्लासिक करके है, जो कि अच्छा अच्छा बनाती है फ्रेंड्स, और लोकल में भी आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनल में है आपको यहाँ पर सोल्डरॉन का भी आएगा और क्लासिक का भी आता है, और ये भारतीय कंपनी का आता है, और ये बहुत सारे कंपनी का आता है जो कि फ्रेंड्स ये अच्छे अच्छे ये अच्छे अच्छे वायर बनाते हैं। और चलिए आपको बताते हैं, और ये भी बहुत सारे कंपनी का आता है, तो इसमें उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन आप इजिली ले सकते हो कोई भी 10 रुपए का, आप बस होना चाहिए। और ये मान लीजिए आपको मैं सिखाने के लिए यहाँ पर एक केबल लिया हूँ,
जो कि देख सकते हो यहाँ पर आप इजिली कहीं भी सोल्ड करते होगे तो नहीं हो पाता होगा। इससे मान लीजिए ये बैटरी है, ये लैपटॉप का 18650 बैटरी है, मान लीजिए आपको यहाँ पर सोल्ड करना होता होगा तो आप इजिली ये नहीं होता होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इजिली सोल्ड करने का तरीका। फ्रेंड्स मान लीजिए ये तार है, अगर आप तार पे पहले सोल्ड करना है तो पहले आप इसको मेल्ट कर लीजिए और इसमें तार को डीप कर लीजिए, ये जो तार है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये इसको इधर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो कि ये वायर है इस पे आपको कोई भी सोल्डरिंग लगा हुआ नहीं दिखेगा, और यहाँ पर देखिए लगा हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको इजिली ऐसे करोगे कहीं पे भी, इसमें पहले डिप करना होता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेल्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ता है। तो फ्रेंड्स पहले आप इसको मेल्ट करिएगा थोड़ा सा, या तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। और ये होता है आपका ये रंगा का तार होता है जो कि आपको इजिली 10 रुपये में मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो 10 वाला ही खरीदना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऐसे करना है और ये इसको भी, और देखिए आपको क्या करना है कि आपको सोल्डरिंग आयरन को ले लेना है और ये वायर को भी ले लेना है, और ये जहाँ पे सोल्ड करना है पहले उसको वहाँ पे ऐसे आपको पकड़ के रखना। मैं आपको 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा सोल्डरिंग आयरन पे ज़्यादा रस्ट होने के वजह, मतलब जंग देख सकते हो आप पे, प्लास्टिक का जला हुआ लग रहा हुआ है, इसी वजह से अच्छे से ये नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैं इसको दो जितने दिन से मैंने इसको ले रखा है, मैं इससे कटर का ही यूज करता हूँ, जैसे प्लास्टिक काटना हुआ उसी के यूज के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। और मैं फ्रेंड ज़्यादातर सोल्डरिंग इससे करता हूँ, नहीं तो एक मेरे पास और है 25 वाट का। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हो तो ये तो मत ही लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है और बहुत ही जल्दी हीट होता है और बहुत ही ज़्यादा बिजली भी खाता है। फ्रेंड्स ये 60 वाट का है, बहुत ही ज़्यादा बिजली खाता है, आपका मीटर भुकभुका देगा एकदम पूरा तेजी में। तो फ्रेंड्स ये आपका अभी मत लीजिएगा, अगर आप बड़े प्रोफेशनल तौर पे काम करते होंगे तो आपके लिए ये ठीक होगा, अब मतलब आप देख सकते हो। लेकिन आप बिगिनर हो तो ये मत लीजिएगा, मैं तो आपको नहीं बोल सकता इसको लेने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी लगाया ही, और ये देखिए मेल्ट होने लगा, ये देखिए उससे ज़्यादा तेजी में पूरा मेल्ट कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए अंदर तार जाया जा रहा है, और देखिए आपको इजिली ये वायर है और इसको यहाँ पर ऐसे करना है, और ये आपको देखिए यहाँ पर लगाना है इसको मेल्ट करके यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये ज़्यादा हीट होने की वजह से लगना चालू हो गया है, और देखिए अब ऐसे करके आपको पूरा लगाना होगा। ये थोड़ा सा पुराना होने की वजह से वायर पे भी डस्ट है, और ये आपको ऐसे करके पहले वायर पे लगाना होगा क्योंकि आप इजिली सोल्ड कर पाओ, पहले वायर पे लगाना होगा। देखिए फ्रेंड्स ये लग चुका है, और आपको अच्छे से लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये इसी वायर से सोल्ड किया हुआ है इस साइड का, देखिए फ्रेंड्स ये कितने परफेक्टली हो चुका है सोल्ड, और देखिए आपको ये भी कर ही देता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हो आप ये भी वैसे ही सोल्ड हो चुका है। अगर आपके पास मतलब ये बैटरी हो तो कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको इधर सिंपली ऐसे लेना है, इसे होल्ड करने के लिए मैं इधर डाल देता हूँ, और यहाँ पर आपको इजीली लेना है ऐसे, और देखिए फ्रेंड्स बैटरी सोल्ड हो चुका है, और देखिए पकड़ लिया आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा बैटरी चाहिए तो ये फ्रेंड्स एक बैटरी 1200 mAh का होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा बैटरी चाहिए तो मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा इजीली ये कहाँ से मिल सकता है। आप इसको 100 रुपये में 3 से 4 खरीद सकते हो इजीली।